में बैठा हूँ, अभी आ गए सब लोग घर पे। अच्छा स्टार्ट हो गई। चलो भाई बधाई हो। सर रूम में बैठे तो जब हमने मॉक इंटरव्यू किया तब कहाँ बैठे थे? कहीं और बैठे थे क्या? उसमें बैकग्राउंड कुछ और सर वो था? मेरा रूम था, ये अभी यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। मैंने कहा रिजल्ट आते घर बदल दिया क्या? अरे भाई सर प्लान तो यही है, अब लाइफ बस चेंज हो जाएगी इसके बाद। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताओ अक्षत भाई कैसा लग रहा है यार? सर एक ऐसी फीलिंग है, लाइक जब आया मैंने देखा रोल नंबर तो इट वाज, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा हो गया है। वो जो पाकिस्तानी टीम नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे को अच्छा वैसा कितनी लग रहा था। बार चेक किया, कंफर्म किया कि मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही है? सर पहले मैंने 4 बार देखा, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी हो गया है, फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, जब आपने कॉल किया था मैंने ये अपने दोस्त से चेक करा, भाई मेरा ही रोल नंबर है ना, एक बार चेक कर दे। कह रहा हाँ भाई हो गया है तेरा। ना तो बहुत अभी गौर फीलिंग सिंक इन हो रही है। पहले कई बार तक देखते हैं पक्का मेरा ही है ना, मेरा ही है ना, क्योंकि इसमें कुछ और नाम वाम लिखा होता नहीं है, सिर्फ वो डिजिट हाँ कंफर्म करना था मेरा ही है ना, कहीं खुशी बना ली और तो वही वही सर, बहुत बेरे बहुत केयरफुल था कि भाई मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना पास करूं, मेरा हो गया है तभी मैं लोगों को बताऊं। नहीं ठीक है बढ़िया है। तो अक्सर थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे ना, क्योंकि ये मैसेज बच्चों को भी जाएगा, वीडियो जाएगी थोड़ा बच्चों के पास, उनके लिए बहुत श्योर मदद। श्योर सर, श्योर श्योर सबसे श्योर। पहले अक्षत थोड़ा अपने बारे में जल्दी से ब्रीफ बता दो, कहाँ से हो, क्या है, ब्रीफ में 1 सेकंड के अंदर। हाँ मिनट में। सर माय नेम इज़ अक्षत सक्सेना, आई एम 24 इयर्स ओल्ड। मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी ऑलमोस्ट एट दी एंड ऑफ 2021 में स्टार्ट करी थी एग्जाम्स वगैरह की, और 2022 में मेरे को IDBI एग्जीक्यूटिव मिला भी था और मैंने ज्वाइन भी किया था 2023 में। बट फिर उस टाइम IBPS PO वगैरह के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे और क्लर्क के भी रिजल्ट थे, बट वो फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था। तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि लेट्स क्विट एंड ट्राई अगेन। तो उस टाइम काफ़ी था कि मेरे को जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं, बट मैंने लिया वो डिसीजन फाइनली टुडे। और उसमें आपका भी एक काफ़ी बड़ा वो था कि जब मैं अपना रिवीजन कर रहा था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई थी 6 महीना जॉब करके, तो मैंने मैथ्स बेसिकली आपकी जो फाउंडेशन क्लासेज है यूट्यूब पे फ्री वाली, मैंने वो करके अपना पूरा रिवीजन किया, और फिर उसके बाद मेंस में मैंने आपका बैच लिया था मैथ्स वाला, और फिर आपने फाइनली इंटरव्यू लिया तो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला था। एंड फाइनली टुडे आज अपना रोल नंबर देख के काफ़ी ऐसा रिलीव्ड फील हो रहा है कि हो गया। चलो एक चीज ये बताओ, जैसे तुमने प्रिपरेशन बोला 22 से प्रॉपर स्टार्ट की, 22 से, ठीक है? तो यस सर। एक चीज ये पूछूंगा, अगर ढंग से तुमको कुछ एग्जैक्टली याद हो कि कितना टाइम लगा पूरी प्रिपरेशन करने में, अगर कोई बंदा जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो कितना टाइम वो अगर डिवोट करे, तो एक बैंकिंग प्रिपरेशन तुमको क्या लगता है कितना टाइम लगना चाहिए, तुम्हें कितना लगा? सर मेरा मेरी जो बेसिकली स्ट्रैटेजी रही है कि मुझे ये मालूम था बैंक एग्जाम निकालने के लिए इंग्लिश एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो मतलब मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले किया कि मुझे पता था अगर किसी को पता है वो अपने मॉक वॉक देके अगर रियलाइज़ कर लेगा कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, जैसे किसी की मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ समझी थी कि मेरी स्ट्रेंथ इंग्लिश है, और मैंने उसके साथ मैथ्स मेरी काफ़ी वीक थी, बट मैंने उसके साथ मैथ्स को मैनेज किया और रीजनिंग को इतना कर लिया इन सबको कि मेरा प्री और मेंस वगैरह हो जाए। तो अगर कोई ढंग से करेगा एक स्ट्रैटेजी बना के, तो 6 months to 8 months आर इनफ आई फील कि वो अगर प्रॉपर बना के होना चाहिए। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंग्लिश, तुमने उसको अच्छे से और इम्प्रूव किया, मैथ्स यस सर, यस सर, यस ठीक सर, था तो फाउंडेशन पे काम करके तुमने जैसे बताया। हाँ हाँ यस सर, यस सर, मैथ्स में एक चीज़ और बताओ, जैसे तुमने फाउंडेशन पे चलो सीखा तुम बता रहे हो, मीन्स में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो मीन्स के लिए तो मतलब चलो तुमने एक तो बताया जैसे बैच लिया, तो वैसे खुद से भी क्या करते थे मतलब मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए, या फिर कुछ भी मतलब क्या करते थे एक्स्ट्रा? सर बेसिकली मैंने मेंस जो 2021 से 2022 में दिए थे उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको बेसिक्स तो आना चाहिए, बट आपके ब्रेन को नए टाइप के क्वेश्चंस का भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपकी क्लास मैंने एक इसीलिए रीज़न से ली थी कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कराते थे उससे दिमाग खुल जाता था कि ओके ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं। तो लेवल मुझे थोड़ा वो एक चीज़ लगती है कि लेवल से मतलब अगर जो आप, क्योंकि प्री तो निकलता ही है बट आपको मेंस के लिए भी काम करना पड़ता है, विदाउट मेंस आप सिर्फ प्री का सोचोगे तो प्री ही निकाल के रह जाओगे। तो मैंने उस पर भी पर्सनली, जब प्री का मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी तो मेंस का करता रहता था मैं, कि अगर मैं प्री पे फाउंडेशन पे कर रहा हूँ तो एक नई टाइप की DI सॉल्व कर ली, कि मतलब अगर मेरे को टाइम भी लग रहा है, मेरे को 15 मिनट भी लग रहा है, बट उसको कर लिया सो दैट अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में रिलेटेड आ जाता है तो मैं कुछ तो एक दो क्वेश्चन तो कर ले जाऊंगा। क्योंकि मैथ्स में हमेशा मेरा ये रहता था दैट आई कैन क्वालिफाई द जो कट ऑफ होती है
एसबीआई में तो नहीं होती है सेक्शनल, बट आईबीपीएस मेरे को था कि मैं इतना कर लूँ कि मेरी सेक्शनल ना रुके, और बाकी फिर मैं रीजनिंग और इंग्लिश से अपना लीड वाला जो जीए वगैरह होता था उससे कर लेता था। ठीक है। हाँ जीए से याद आया, जीए में पूछ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार जीए ना बहुत वैरी करती है लाइक ईयर टू ईयर, या देखा यस सर। जाए तो बहुत वैरी करती है, तो कुछ ऐसे तुम्हारी सटीक स्ट्रेटजी थी क्या जीए को लेके, क्या तुमने सर कर? इसमें भी आपकी मैंने वीडियो देखी थी जो आपने एक बनाई थी कि अफेयर्स क्लाउड में इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है, होता है तो ठीक मैं है। उसी क्रोनोलॉजी में पढ़ता था कि पहले फाइनेंशियल न्यूज़ खत्म करनी है, फिर बैंकिंग न्यूज़ जितनी भी है, फिर उसके बाद नेशनल, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी देता था। और मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम भी करी एग्जाम्स में कि फाइनेंस का काफ़ी आता था उसमें, तो फाइनेंस से कवर हो जाता था। अगर कुछ महीने का छूट भी रहा तो मैं कोशिश करता था कि फाइनेंस तो कवर कर ही लूँ, जैसे अगर कोई मंथ है जिसका मेरा नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश तो करता था कि मैं फाइनेंस कर लूँ। और इसके अलावा मैंने इस साल एक नई चीज़ करी थी जो वन नोट आता है अफेयर्स क्लाउड में, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे हेडलाइंस होती थी उसको कॉपी करके, अगर आप मांगेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। मैंने अपने फ़ोन पे रिवीजन के लिए रख लिए थे वो, उसको येलो से हाईलाइट कर लेता था, बोल्ड से हाईलाइट कर लेता था, और अगर ऐसे ही बैठा भी हुआ हूँ तो उसको ऐसे करके पढ़ लिया। ये मैंने एक इस साल नई स्ट्रैटेजी अपनाई क्योंकि रिवाइज नहीं होता था, पढ़ते हम बहुत रह जाते थे एग्जाम से पहले, फिर हम वापस से पूरी पीडीएफ देखने बहुत टाइम जाता था, तो मैंने उसी न्यूज़ का एक छोटा क्रक्स वर्जन उसी से उठा के अपने फोन में उसमें वन नोट में बना लिया था, सो दैट मैं ऐसे ही जैसे अगर मैं रास्ते में भी जा रहा हूँ एग्जाम देने मेंस के पहले, तो मैंने वहीं खड़े होकर सुबह रिवाइज कर लिया, तो वो मेरे लिए मतलब स्ट्रैटेजी। बहुत वो तुरंत मतलब अवेलेबल हो जाता था, हेल्प करता था रिवीजन के लिए। हाँ हाँ सर हाँ अच्छा अक्षत एक बात और बताओ, जैसे मीनवाइल इस साल में तुमने एग्जाम सारे दिए थे कि सिर्फ एसबीआई पी और एफएसपी ही दिया था, मतलब उसके अलावा भी फॉर्म भरे थे सर मतलब? मैंने सारे दिए थे, मतलब आरआरबी के एग्जाम्स छोड़ के क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती है, तो तो अब ये मुझे बताओ बाकी सारे दिए कि थे। जैसे कुछ एग्जाम में नहीं भी हुआ होगा तो जैसे जब होता था तो मतलब क्या लगता, दोबारा फिर देने का कैसे हिम्मत आती थी? सर ये मतलब ये तो एक काफ़ी डीप क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल एंड में जाके आईबीपीएस पीओ का जब नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ था मेरे को, लोगों ने बोला भी तेरे पास जॉब है क्यों परेशान हो रहा है, बट मेरे को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मेरा ज़्यादा कैलिबर है, मैं कर सकता हूँ। और तो ऐसा होता था कि पहले जब एसबीआई के प्री नहीं निकलते थे इससे पहले 2022 2021 का, तो मुझे लगता था बुरा, बट आई डेंट फील कि यार मैं दोबारा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को हमेशा बैक करता था कि कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने पहले मैं अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को लेके काफ़ी वो करता था कि अगर मेरा कोई प्री एग्जाम निकला है तो और दूसरा नहीं निकला तो मैं उस पे आता था कि मैंने वो वाला निकाला था ना, इसमें कुछ कमी रह गई होगी, लेट्स वर्क इट आउट। तो डिमोटिवेशन होता है अग्रीड, बट आप अपने आप को कैसे पुल आउट करते हो उस चीज़ से। लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा, तीन मेन्स थे, एसबीआई क्लर्क मेन्स था, आईबीपीएस क्लर्क मेन्स था और आईबीपीएस पीओ, मेरा तीनों में से किसी में नहीं हुआ था। आई लाइक टोटली शैटर्ड कि भाई क्या करें, अब तो एसबीआई पीओ तो था ही नहीं, तो जॉब वो आईडीबीआई वाली थी बट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपको मैंने बताया भी था कि मैं वहाँ हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, तो मैंने डिसीजन लिया कि जाते हैं भाई हम कर सकते हैं बेटर, तो मैंने उसी पे अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ कि कर सकते हैं। टुडे फाइनली अपने आप पे ट्रस्ट करके ठीक आज। है। अच्छा अक्षत एक बात और बताओ, जैसे अभी पूरा एग्जामिनेशन साइकिल दोबारा आ रही है, स्टार्ट हो रही है ठीक है, तो जो बच्चे पहली बात तो जो बच्चे प्री एग्जामिनेशन टारगेट करेंगे, तो प्री एग्जामिनेशन के लिए खासतौर से प्री के लिए अगर कोई दो टिप देना चाहोगे तो क्या तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए प्री के लिए? सर मेरी टिप तो यही रहेगी जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि बैंक एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि तीन सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें से आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान लो ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ठीक वो है। आपको काफ़ी हेल्प मैं पूछ करेगी। रहा था कुछ स्पीड वगैरह के रिगार्डिंग, कि तुमको क्या लगता है स्पीड कितना मैटर करती है, एक्यूरेसी वगैरह ये सब? हाँ सर स्पीड मतलब वही जैसे आप मैथ्स में और रीजनिंग में है, तो आप इनिशियली स्टार्ट उससे करो जो आपका जल्दी होता है, आप उसमें मत भागो जिसमें आपको टाइम लगता है। जैसे अगर आपको मैथ्स में पता है सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी जल्दी होती है, तो आप उसको और तेज करने की कोशिश करो कि आपके वो 5 मिनट में ही आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर ले जाओ। फिर डीआई जब आप करने हो तो डीआई की भी ऐसी प्रैक्टिस करो कि अगर आपको पाई चार्ट दिखा है तो आपको पाई चार्ट नोट करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सको उसको, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। और ये मैंने 2 साल में सीखा, इनिशियली मेरे को भी काफ़ी टफ लगता था, बट फिर धीरे 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 वो इतना हैबिट में आ गया कि वो स्पीड में ही, मतलब जो प्री का जो होता था 15 मार्क्स, एसबीआई पीओ में भी 15 मार्क्स मेरे ऐसा था कि भाई ये तो करना ही है, बाकी अर्थमेटिक वॉज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नेवर, तो मैं उस पर कभी, जब तक मैंने इतना नहीं कंप्लीट कर लिया अपना प्री का तब तक मैं उस पर नहीं जाता था। तो उस अपना स्ट्रेंथ पे और स्पीड के लिए आप उस पर करना चाहिए जो आपको ऑलरेडी अभी आता है, उसको और तेज करो सो दैट आप एग्जाम में उसमें ना लैग कर जाओ। ठीक है।
और ठीक है अक्षर, तो मतलब ठीक है, काफी अच्छे से बता दिया तुमने, मतलब जो मैं पूछना चाहता हूँ तुमने सब खुद ही बता दिया। एक तो जीए रहता है मेन प्रॉब्लम, क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है, स्पीड में प्रैक्टिस के लिए रहता है। एंड एक चीज कुछ और, जैसे मान लो तुमने एक चीज मैंने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम ये प्री मेंस एग्जामिनेशन, ये तो एकदम फाइल में काम में आता है, कि जब इंटरव्यू होता है तो IBPS PO SBI PO, तुमने दोनों इंटरव्यू दिए हैं, तो कोई एक यस टिप, सर, एक या दो टिप कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग बच्चों को देना चाहोगे कि वो कैसे आपको एक इनहेंस्ड और अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट शो कर पाए और इंटरव्यू की सेलेक्ट करने के लिए? लाइक तुमको मतलब कुछ ऐसा फील हुआ कि इंटरव्यू तुम्हारा जब गया था तो तुमको फील हुआ कि यार हाँ ये चीज़ मैंने अच्छी की, जिसकी वजह से शायद वो लोग इम्प्रेस मुझसे हुए थे, अगर तुमको ऐसा कुछ बताओ। सर मेरा पर्सनल ये है कि सबसे पहले आप अपनी नर्व्स काम रखें, व्हाट एवर आंसर यू गिव आप अपनी नर्व्स काम रखें, कि अगर आपसे गलती भी हो गई है तो वो आपको थोड़ा उस पर रोस्ट करने की कोशिश करेंगे, ग्रिल करेंगे, तो आपको तुरंत बिल्कुल फट से नहीं आप सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप वेट करके सुनेंगे तो आप एक आंसर दे पाएंगे। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन पूछे डिवेस्टमेंट वगैरह वाले, मैं नहीं बता पाया था, और उस टाइम मेरे को लगा ओके मेरे को काम रहना चाहिए। उन्होंने मेरे को तभी, क्योंकि जब उन्होंने मेरा IDBI देख लिया था, उन्होंने वो क्वेश्चन तभी पूछा था मेरे से, और मैं नहीं बता पाया था स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन। एंड CGM सर वाज लाइक, फिर उन्होंने जब मैं नहीं बता पाया तब वो मेरी हॉबी पे आए, और मेरी हॉबी बास्केटबॉल थी, उनको उस पर नहीं आइडिया था, तो वो फिर पूछने लगे कि अच्छा इसके अलावा कुछ करते हो क्या, तो न्यूज़पेपर का उन्होंने बोला, और उन्होंने न्यूज़पेपर बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इट विल बी अ हेल्पफुल थिंग। मैंने बोला यस सर पढ़ता हूँ, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम अगर मैं पैनिक करके उनको कुछ बोलने लग जाता जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में, तो शायद वो मेरे लिए नहीं प्ले करता, और शायद मेरे लिए यही प्ले किया कि मैं उस टाइम काम रहा, मैंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा, और एट दी एंड जब इंटरव्यू हो गया तो खुद ही उन्होंने मेरी फाइल साइड रख के, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने मेरी बास्केटबॉल हॉबी के बारे में पूछा, और उस इंटरेस्ट मेरे को लगता है वही एक गेम चेंजर था मेरे लिए, बिकॉज एट दी एंड आ गया होगा, क्योंकि वो फाइल रख के जब बात करते हैं तब वो हाँ, सही हो जाते हैं, फिर वो बढ़िया। तो मुझे वहां लगा था कि दैट इज अ गेम चेंजर, कि अब ये यहाँ पे बिल्कुल कैजुअल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं मेरे से अबाउट बास्केटबॉल, जानना चाह रहे थे एक्चुअली, मुझे पता है, मैंने वो सब उनको बताया, ही वाज सैटिस्फाइड एट दी एंड। चलो बढ़िया अक्षत, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है भाई, छोटा मैसेज बच्चों तक तो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन पर उनकी हेल्प कर देना। एंड बस अब एक वीडियो बना दूँ डेफिनेटली सर, कि अब आगे का डेफिनेटली प्रोसेस क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसको तो फॉलो करना, उसका वेट करना। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या बना है, लखनऊ? हाँ सर, लखनऊ है, न्यू दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है या राजस्थान है, तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, अभी तो स्कोर मास्टर कार्ड नहीं रेडी होने मिल वाला जाएगी मेरे ख्याल से, लखनऊ में, दिल्ली तो नॉर्थ में मिल जाना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है बढ़िया रहेगा, सर, अब वही है कि नॉर्थ मिल जाए तो इट विल बी बेटर है, मैं यही सोच रहा था कि यार इतने मार्क्स होंगे थोड़ा अब मार्क्स आएंगे। सिलेक्ट हाँ होने मार्क्स आएंगे तो थोड़ा मतलब। सा क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, आज अभी तक मार्क्स नहीं आए ना, आजकल में आएंगे फिर पता चलेगा। वही चलो अच्छा सर, ठीक है, और हाँ पूछो कुछ, सर आपसे कुछ अनऑफिशियल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं? मैं पॉज कर दे रहा हूँ।